वाही। वारु वारु आज गा गा गा। वो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें हम फेरिंग्स के बारे में जानेंगे आइसोफेगस क्या होता है और स्वेलिंग और पेरेस्टालसिस के बारे में भी जानेंगे ठीक है लास्ट टाइम भी हमने ह्यूमन एलिमेंट्री पढ़ा था गा 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 गा। और हमने उसमें कैविटी के बारे में जाना था आज हम फेरिंग्स और आइसोफेगस के बारे में जानेंगे

माउथ uh, से स्टार्ट हो रही है और हमारे एनएसक यहाँ तक जा रही है इसमें थे थे। ये इसमें डिफरेंट सेक्शन आते हैं नी ये देखिए इतने ज्यादा पार्ट्स आ रहे हैं और ये सारा मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है ठीक है इसमें डिफरेंट पार्ट्स हमारे बोर्ड होते हैं पूरी लंबी सारी ट्यूब में जो कि यहाँ से एक्सटेंड होकर डिफरेंट पार्ट से गुजरती हुई एन एस तक आ रही ठीक है ये ओवरऑल मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है और इसमें डिफरेंट सेक्शन है जिसमें हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक काम है ठीक है हमने जाना था कौन कौन सा सेक्शन है ऑरल का है ये वाले मुंह के अंदर जितना भी रीजन होगा वो सारा

जिसमें मैं जाना था एक तो ये फूड को सेलेक्ट कर दी थी, ठीक है मैं लास्ट टाइम ये पढ़ा था ना कि फूड के सिलेक्शन में हमारी क्या होता है कि हमारी जब हम किसी भी फूड को अपने मुंह के अंदर इंटर मतलब लेके जाते हैं टेक ऑफ द फूड करते हम उसको सजेस्ट कर ले खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि फूड हमें अंदर लेके जाना चाहिए कि नहीं ठीक है हम उसका जायका चखते बेसिकली हम उसको फील करते उसको सेंस करते हैं अपनी दांतों की मदद से अपनी जुबान की मदद से अगर कोई डर्ट आ रही है उसको बाहर निकाल लेते इसी तरह कोई ऐसी फूड जो कि जिसका हमें जायका फील हो गया ओल्ड है ठीक है गर्ल्स एड गए तो हम उसको भी फौरन से मुंह के से बाहर निकाल लेते तो बेसिकली काम कौन कर रहा होता है हमारे मुंह में अंदर और इसके अलावा भी हम अपनी विन ऑफ सेंस को यूज

ठीक है इसको हमने नाम दिया था मास्टिकेशन का इसके बाद जो थर्ड आ, हमारा था था फंक्शन कैविटी वो क्या डाइजेशन हो जाना ठीक है हमने बात की थी कि हमारे मुंह के अंदर ही खुराक का मतलब था, बिल्कुल हल्की सी ठीक है हल्की हल्की खुराक जो हजम भी किससे कैसे डाइजेस्ट होती है जब हमारी ग्लैंड जिसमें हमने बात की थी वो क्या रिलीज करती है वो स्लाइवर रिलीज करती है कॉमन वर्ड में हम इसको लैंग्वेज में इसको थू कहते हैं ठीक है ठीक है वो जो वाटर या जो म्यूकस सा होता है जो लिक्विड सा होता है वो क्या करता है हमारी खुराक को

हमने बात की थी वो जो खुराक होती है वो जब बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हो जाती है उसको लुब्रिकेट हो जाती है गीली हो जाती है तो गोल सा मैस बन जाता है गुजरने के लिए हमारे मुंह के बाद कहाँ खुराक जाती है फरिंग्स में अब हम फरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं ठीक है फरिंग्स क्या था और आइसोपैगस क्या था ठीक है यानी खुराक मुंह के बाद यहां तक स्टोमिक से पहले जितने भी पार्ट आ रहे कौन कौन से आ रहे हमारा ओरल कैविटी है यहाँ पे हमारा फरिंग्स और ये हमारा सारा क्या है ये हमारा आइसोफेगस ठीक है औरल कैविटी के बाद खुराक में कहा जाना है यहाँ पे फरिंग्स में आना और देन हमारे आइसोफेगस में आना ये कैसी आती है और यहाँ पे खुराक क्या क्या उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे हम स्टडी करेंगे ठीक है अच्छा फेरिंग्स को पढ़ने से पहले हम थोड़े से दो तीन टर्म्स है जो यहाँ पे क्लियर कर लें ताकि हमें आइस और फेरिंग्स में पूरा सारा क्लियर समझ आ जाए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेरिंग्स होती क्या है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ सी दो तीन टर्म्स बता देती हूँ ताकि हम बाकी लेक्चर बाद में कंटिन्यू करते हैं फेरिंग्स फेरिंग्स क्या होता है इज इज अ पैसेज कैविटी प्रेजेंट बिहाइंड द नोज एंड द माउथ इट कनेक्ट्स देम टू द एंड ठीक है फेरिंग्स आइस ये एक बिल्कुल खाली सी एक कैविटी होती एक स्पेस ही होती एक ऐसी गाह कहें पैसेज का मतलब जो गुजरने की जगह होती है मतलब जगह नहीं एक्चुअली ये नाली होती है ट्यूब होती है कैविटी सी होती है ठीक है खाली स्पेस होती है ये, ये कहाँ पे हमारे मुंह के और नाक के पीछे मौजूद होती है ठीक है मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम देखनी ठीक है ये क्या है ये हमारा यहाँ आपको नजर आया हमारा नोज है ठीक है ये नोज है ये हमारे लिप्स है ठीक है अब ये इतना वाला पूरा पोर्शन क्या है ये हमारा ओरल कैविटी जिसमें हमारी टोंग भी आ रही ठीक है ये देखिए आपको यहाँ पे ये क्या है ये हमारी जुबान है यहाँ पे टीथ्स होंगे ठीक है और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है क्या है ये नाक है ये इतना सा आपको जो रीजन नजर आ रही है क्या है ये हमारा ना करीजिए इसको हमने नाम देती है नेजल कैविटी नोज से नेजल कैविटी ठीक है जो मुंह के अंदर वो कैविटी उसको ओरल कैविटी कहेंगे यानी ओरल का मतलब क्या होता है बोलना ठीक है ना ओरल जुबान के लफज मीनिंग में आता है

कहाँ मौजूद होता है हमारे नाक के और हमारे मुंह के पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं कि हमारा होता है ये भी फेरेंस मेजी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है चलिए वो तो हम नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन इतना आपने याद रखना है ठीक है ताकि बाकी हमारे बाद में पॉइंट्स वो क्लियर हो जाए कि फेरेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे नाक के और हमारे मुंह के पीछे मौजूद होता है ठीक है और इसने किसको कनेक्ट करना होता है ये, ये ये क्या करता है हमारे मुंह और नाक को किससे मिला रहा होता है लेरिंग्स से और आइसोफेग से मिला रहा होता है अब लेरिंगस क्या होता है लेरिंग्स क्या है इज मेड ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू टिश्यूरिंग्स बड़े थोड़ा सॉफ्ट सा टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये इस ये क्या इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये कंटेन वोकल कार्ड ठीक है ये जो लेरिंग्स है ना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इतना इसका कोई रोल नहीं है ठीक है लेकिन ये जो लेरिंग्स होता है ना ये हमार हम जब बोल रहे होते हैं हमारी आवाज को पैदा करता है ठीक है वोकल हमारी आवाज को हमारी साउंड की प्रोडक्शन का जो वर्क होता है वो क्यों कर रहा होता है वो लेरिंग कर रहा होता है ठीक है अच्छा लेरिंग्स कहाँ पे मौजूद होता है ये वाला जो रीजन है ना इतना रीजन ये क्या है ये हमारा लेरिंग्स है ठीक है ये ये वाला जो रीजन है ये हमारा यहाँ से लेके ये और ये ये इतना पूरा रीजन क्या है ये हमारा लरिंगस है इसके बाद क्या आता है ट्रेकिया ट्रैक इज जस्ट ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप इसको विंड पाइप भी कहते हैं क्योंकि हवा गुजर जाती है इट प्र लेरेंगे और लरिंग के नीचे यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ट्रैक किया होगा और इट इज पैसेज ऑफ एयर ये हवा की गुजरगा मैं अगेन आपको बता देती हूँ देखिये ये वाला जो इतना रीजन है ये हमारा किसका रीजन है ये हमारा नाक का रीजन जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी ठीक है ये वाला जो इतना रीजन आपको नजर आ रहा है ये हमारा मुंह का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ऑरल कैविटी ठीक है नेजल कैविटी और ऑरल कैविटी ठीक है इन दोनों के पीछे ये जो आपको कलरफुल इतना सारा रीजन नजर आ रहा है ये क्या है ये हमारा फेरेंस hai, हाँ है ठीक है ये हमारा है फेरेंस कहा मौजूद है हमारी नाक और हमारे मुंह के पिछली जाने मौजूद होता है ठीक है इसको हम कहते हैं कि हमारा फेरेंग्स है और लेरिंगस पे मौजूद होता है लेरेंस क्या होता है ये वाला जो इतना रीजन है ना ये हमारे मुंह के बिल्कुल नीचे जो जैसे हम कहते हैं ना गला ठीक है ये फेरेंग्स गले के होता है ठीक है और लेरिंगस ये वाला जो इतना रीजन है मैं थोड़ा इसको कलर प्रोमिनेंट कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये जो मैं आपको ग्रीन कलर में ये वाला जो इतना रीजन है ना ये क्या है ये हमारा लेरेंग्स है ये वाला मैं उसको मुझे प्रोमिनेंट करेंगे ठीक है ये हमारा क्या हमारा है ये हमारा लरेंग्स है ठीक है और लरिंग्स के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होता है पे ये 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 हमारा मौजूद मौजूद होता है 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 ठीक ठीक क्या अब देखें अब एक यहाँ पे एक और टम्ब यूज होगी की और ग्लोटिस की ठीक है ये जो हमने बात की ना कि ये वाला जो इतना रीजन है ये हमारा लेरिंगस का रीजन है ठीक है लेरेंग्स के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे मैं इसको किसी और कलर से शो कर दिया था कि आपको क्लियर हो जाए मैं यहाँ पे ब्लैक से कर देती हूँ ठीक है ये वाला जो इतना रीजन होगा ना लरिंग्स के ऊपर ठीक है उपर, इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा मजदीद बड़ा करी यहाँ पे क्या मौजूद होता है यहाँ पे एक मौजूद होता है उसका हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस का ठीक है एपिग्लोटिस काम पे मौजूद होता है हमारे लरिंग्स के ऊपर बिल्कुल इसको आप बिल्कुल ये समझिए ढक्कन की तरह होता है ठीक है एक ढक्कन की तरह तो होता है और लेरिंगस के यहाँ सेंटर में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कि वो होता है हमारा ग्लोटिस ठीक है वो होता है ग्लोटिस ये आपने याद रखनी टर्म्स है कि जब हम इसका प्रोसेस आपको याद है ठीक है उसका हम नाम देते हैं ग्लोटिस एक है एपिग्लोटिस और है ग्लोटिस ठीक है एपी का मतलब होता है ऊपर ठीक है एपी का मतलब है ऊपर ठीक है पहले यानी आएगा तो एपिग्लोटिस पहले आता है और ग्लोटिस बाद में आता है ठीक है एपीग्लोटिस कहाँ मौजूद है लेरिंग्स के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे मौजूद है ठीक है और ग्लोटिस कहाँ पे मौजूद है ये के दरमियान में तकरीबन यहाँ क्या आता है ये यहाँ पे आता है रीजन ग्लोटिस का और लेरिंग्स के नीचे बिल्कुल क्या हम जो है ये वाली स्पेस की है उसको हम क्या कहते हैं ये हमारा ट्रैक किया है ठीक है हम एक दफा रिकॉल कर लेते हैं अगेन ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए ये हमारा इतना रीजन नेजल का और ये वाला इतना रीजन हमारा और कैविटी का इन दोनों के पीछे ये जो कलरफुल रीजन है ये हमारा फेरेंग्स है और फेरेंग्स के नीचे यहाँ पे क्या मौजूद होता है लेरेंग्स मौजूद होता है ये वाला ठीक है लेरेंग्स के ऊपर क्या मौजूद होता है एपिग्लोटिस मौजूद होता है और इसके बाद यहाँ पे क्या आता है? होता है ग्लोटिस मौजूद होता है ठीक है और ये वाला जो नीचे वाला रीजन है ये हमारा क्या होता है ये हमारा ट्रैक मौजूद होता है अब ये जो आइसोफेगस हम बात करें थे वो जो लंबी ट्यूब हमारे स्टोमिक तक आ रही होती है हमारे माउथ से स्टार्ट होती है हमारे स्टोमिक तक आ रही होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है वो ये वाली जो आपको ए, इस यहाँ पे नजर आ रही है ये हमारी क्या होती है ये हमारी आइसोफेगस होती है ठीक है यानी आप ये, ये समझ ले कि हमारी आइसोफेगस और ट्रैकिया जो है साइड बाई साइड यानी यहाँ पे जो है इसके साथ मौजूद है ये वाली जो रीजन होगा ना ये वाला जो मैं रेड कलर में अब दोबारा प्रोमिनेट कर रही हूँ ये क्या है ये हमारी आइसोफेगस होगी ठीक है यानी आइसोफेगस और यहाँ पे ट्रैकिया और लेरेंग्स है ये इतना रीजन यहाँ पे लेरेंग्स है यहाँ पे ट्रैकिया है और यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल क्या है हमारा हमारी आइसोफेगस है अब आप देखें कि जब हमारी खुराक है जो कि हमारे मुंह में थी यहाँ पे थी ना हमारी खुराक अब खुराक ने यहाँ पे फेरिंग्स में से होते है ठीक है यहाँ

कि हमारी खुराक लरिंगस में ना आ जाए या फिर हमारी खुराक जो यहाँ पे ट्रैकिया में ना आ जाए तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक ढक्कन मौजूद होता है जिसको हमने नाम दिया एपिग्लोटस ठीक है वो क्या करता है खुराक को रोकता है कि खुराक जो है वो लरेंस में, आ में आ ना आ जाए या ट्रेकिया में ना आ जाए क्यों ना आ जाए क्योंकि हमने भी बात की ये जो लेरिंग्स होती है ये ट्रैकिया होती है ये हमारी आवाज को हमारे निजामी तनफस में हमारी सांस लेने में काम यानी इसके अंदर हवा ट्रैकिया के अंदर हवा ने गुजरना होता है ठीक है ना हवा गुजरने का हम जब सांस ले रहे होते इसी तरह लेंक्स में इसका लरेंस का जो मेन फंक्शन होता है वो आवाज को पैदा करिए

ना आ जाए ठीक है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक ढक्कन होता है वो क्या होता है जिसको हमें नाम दिया है एपिग्लोटस का ठीक है तो इस तरीके से इनका ये स्पेसिफिक फंक्शन अब यहाँ पे हम इसको मजीद डिटेल से भी पढ़ लेते हैं नेक्स्ट ठीक है नेक्स, अच्छा यहाँ पे एक मैं आपको और दिखाऊँ ये वाली आपको डायग्राम जो है वो क्या दिखाई गई ये हमारी डायग्राम है जो आपकी बुक में डायग्राम दिखाई गई है ठीक है ये वाली जो डायग्राम है ये आपकी बुक की डायग्राम है और ठीक है यहाँ पे आपको दिखाई गई जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पे क्या होता है ये सॉफ्ट पैलेस होता है ठीक है सॉफ्ट पैलेट मतलब देखिए अभी आपने जो डायग्राम देखी थी कि हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना जिसको हम कहते हैं तालुआ ठीक है उसके साथ बिल्कुल पीछे जो एक जगह होती है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट और ऊपर वाली जगह जो होती है उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं ठीक है अभी आपने डायग्राम देखा ये हमारी

अच्छा जी क्या होता है कि फेरिंग स्वेलिंग एंड ये टर्म्स है जो हम हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है कि ड्यूरिंग स्वेलिंग ड्यूरिंग स्वेलिंग के खुराक को निगलने के अमल के दौरान स्वेलो का मतलब है निगलना ठीक है जब हम खुराक को अंदर की तरफ कर रहे होते हैं बोलस बोलस अभी हमने जाना था क्या होता है बोलस हमारे खुराक का वो एक स्मॉल मैस होता है जो कि जब हम खुराक को चबा रहे होते हैं लुब्रिकेट कर रहे हो गोल्स ही एक शक्ल बन जाती है ठीक है खुराक बिल्कुल एक गोल सी बन जाती है ताकि वो आसानी से अंदर गुजर सके वो जो बोलस होता है खुराक होती है इस पुष्ट ठीक है पुष्ट थी? मतलब थी? तो बैक तो बाँध बाँध ठीक है अब आप खुद एजियो अपने कि जब तो हम खुराक को निगल रहे है होते हैं अपनी मुंह से अपनी जुबान से मुंह से अपनी अंदर की तरफ कर होते, ठीक है? गले की तरफ कर रहे होते पुश कर रहे होते ताकि खुराक हमारे अंदर चले इसी तरह तो हम स्वेलो करते हैं ना खुराक को या बोलेस को क्या करते हैं पुश करते हैं अपनी टू द बैक ऑफ द मुंह के अंदर वाली साइड पिछली जान ठीक है अपनी जुबान की मदद से ठीक है अब क्या होता है कि वे टंग हमारी जुबान पुश बोलेस जब आ, उस बोलेस को हमारी जुबान जो पीछे की तरफ पुश करती है द सॉफ्ट पैलेट ठीक है सॉफ्ट पैलेट क्या था वो जो रीजन था हमने अभी बात की थी हमारे मुंह में जो अः पिछली जन्म जो बिल्कुल एक नरम सा हिस्सा होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट नाम दे रहे ठीक है ऑल्सो मूव अपवर्ड एंड टू रियर ठीक है अपवर्ड का मतलब है ऊपर वाली जानी और रियर का मतलब पिछली जानी ठीक है अब अब अः कभी आप नोट करके देखिए जब आप खाना खा रहे होते हैं ठीक है जब हम अपनी खुराक को क्या करते हैं अंदर की तरफ कर रहे होते हैं ना तो हम क्या कर रहे हो हमारा जो ऊपर वाला मुंह का अंदर ऊपर वाला जो रीजन होता है है ठीक जब हम उसको अंदर की तरफ निगल रहे होते हैं तो हमारा जो, जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो पहले ऊपर की तरफ जाता है और पीछे की तरफ जाता है ठीक है पहले ऊपर को जाता है और फिर पीछे यानी वो आसानी से खुराक जो हमारे अंदर वाली जान चले जाए हमारे फेरिंग्स में चले जाए हम अपनी यानी कॉमनली मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि हम अपने जब गले में कर रहे होते हैं तो हमारा वो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो पहले ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव uh, करता है और देन पीछे की तरफ करता है ठीक है यानी खुराक को गुजरने में हेल्प कर रहा होता है हमारे माउथ से हमारे थॉट में हमारे थॉट में गले में आ रही होती है ना खुराक ठीक है तो ये बात यही यहाँ यह, 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 इसका मतलब है है ठीक अब क्या इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेजल क्लोज इस तरह क्या होता है कि जब हमारी खुराक अंदर गले की तरफ जा रही होती है तो हमारी नेजल कैविटी यानी हमारा नाक वाला रीजन जो है वो बंद हो जाता है ताकि खुराक जो है सीधे गले में चले जाए ठीक है ना आप फील करके देखिए फेन आपको ये सारी जो है ना वो समझ आ जाएगी बातें ठीक है जब हम निगल लेते हैं ठीक है अंदर की तरफ चले जाता है द बोलस पास फेरिंग्स टू एंटर द आइसोफेगस ठीक है आइसोफेगस हमारी वो जो लंबी ट्यूब थी जो कि हमारे स्टोमिक तक है ठीक है जब हम अपनी खुराक को स्वेलो निगल लेते अंदर की तरफ चले जाते गले की तरफ तो हमारा जो बोलोस होता है वो फेरिंग से गुजरता है वो कहां तक उसने कहा उसका क्या काम होता है कि वो पहले फेरिंग्स में जाता है कहाँ इंटर होता है आइसोफेगस में चला जाता है ठीक है अब यहाँ पे मैं एक दफा आपको दोबारा क्लियर भी कर देती हूँ देखिए ये वही डायग्राम आपकी बुक वाली क्या होता है ये ये जो आपका नाक वाला है यहाँ पे रीजन है ये हमारा क्या है ये हमारे नेजल कैविटी ठीक है यहाँ पे देखिए ये वाला जो इतना रीजन है क्या है ये हमारा हार्ड पैलेट है ठीक है हमारा ऊपर वाला है ठीक है और हार्ड पैलेट के बिल्कुल साथ यहाँ पे क्या है ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है इसका नाम दिया सॉफ्ट पैलेट का ठीक है ये हमारा मुंह का रीजन और ये हमारी क्या है ये हमारी टोंग है ये जो इतनी आपको नजर आ रही है हमारी चौंग है ठीक है अब देखो खुराक यहाँ पे होगी मौजूद ठीक है कहाँ पे मौजूद होगी यहाँ पे मौजूद होगी ठीक है ना ये देखिए हार्ट पैलेट और टोंग के दरमियान यहाँ पे खुराक होगी ना तो अब खुराक ने क्या करना है क्या करना है कि इसने यहाँ पे ये जो हमारा होगा सॉफ्ट पैलेट इसने पहले ऊपर को थोड़ा सा मूव करना है और देन पीछे की तरफ करना है यानी इस टाइम इस पोजिशन में है ना देन ये क्या होगा कि ऊपर इस तरह इस तरह होगा ताकि जो खुराक है यहाँ पे ऊपर हमारा नाक वाला रीजन है नेजल कैविटी है देख, पहले ये देखिए इस तरह शो की हुई है है ठीक नीचे वाली रीजन की तरफ है ठीक है ये हमारा हार्ड पैलेट है यहाँ पे हमारा सॉफ्ट पैलेट है ठीक है खुराक हमारी यहाँ पे है ठीक है ये हमारी खुराक है अब क्या होगा ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये थोड़ा सा ऊपर को मूव करेगा ठीक है और थोड़ा सा पीछे को करेगा तो फिर किस तरह किस पोजिशन में आ जाएगा ऐसे हो जाएगा ठीक है यानी ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ये हमारी जो खुराक यहाँ पे मौजूद थी सीधी नीचे की तरफ गुजर यानी हमारी नेजल कैविटी की तरफ रास्ता बंद हो गया और हमारी खुराक वो नीचे डायरेक्ट आ गई ठीक है इस तरह से

अब वो हमारी नेजल कैविटी के तो बंद हो गई थी अब वो कहाँ पे आ गई थी फेरेंस में आ गई थी अब फेरें का ये काम है कि उसने उसके अंदर इतना अख्तियार होता है कि वो अपनी जो बोलस उसके अंदर इंटर हो चुका है उसको प्रिवेंट कर सके ट्रैकिया में न चले हमने बात की थी ट्रैकिया क्या होता है हमारा विंड पाइप होता है जो कि लंग्स तक जा रहा था विंड पाइप तो लंग्स जो कि जिसमें से हमारी हवा नहीं गुजरना होता है ठीक है यानी सांस जब ले रहे होती हवा गुजर रही होती है वो उस हवा को वो उस पाइप में जाने खुराक को जाने से रोकना होता ठीक है ये फेरें का काम होता है

काटी टिश्यू से मिलकर बना होता है ठीक है इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है पोजीशन यानी बिल्कुल सीधे तरह ऐसे इसको रख देता है पहले ये वर्टिकल पोजीशन होती है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल uh, पोजीशन होती है तो ये जो स्वेलिंग करने के दौरान क्या काम होता है इसका आ, जब वो फेरिंग्स में से जानी हो तो फेरिंग्स ने इस, फेरिंग्स के अंदर ये अख्तियार होता है कि वो खुराक जो है वो ट्रेकिया में जाने से रोके और ये किस तरह से रोकता है ट्रेकिया के ऊपर जो एक लरेंस मौजूद है और लरेंस के ऊपर भी क्या है एक एपिग्लोटिस है जो कि कवर है जोटिलेजीनियस टिश्यूज का मिलकर बना होता है वो हॉरीजेंटल पोजिशन में आ जाता है बिल्कुल ऐसे लेट जाता है ताकि खुराक जो ट्रेकिया के अंदर न इंटर हो जाए ठीक है दस ग्लॉटिस दट इज ऑपनिंग ऑफ ट्रेकियस क्लोस है हमने बात की थी कि एपिगलोटिस के बाद जाता है एपी का मतलब ऊपर यानी था, वो भी बंद हो जाएगा, closed, ये बाद वाला रीजन था ना लेरेंग्स के बाद वाला तो वो भी क्लोज हो जाएगा ठीक है जब ऊपर से अपी बंद होगा तो जारी बात है ग्लोटिस भी और फिर वो खुराक जो तो ट्रैकिंग के अंदर नहीं जाएगी ठीक है अब हम इसको दोबारा यहाँ पे एक दफा बात कर लेते कि कैसे क्या मतलब इसका देखिए यहाँ पे खुराक थी ना अब ये खुराक ने कहा पे जाना है ये हमारा ये वाले जो रीजन आपको ये वाले जो नाली नजर आ रही है क्या है ये हमारी आइसोफेगस है ठीक है अब यहाँ पे देखे हमने बात की थी कि हमारा जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है हमारे ये जो नाक वाला यानी नेजल कैविटी और हमारा ये जो इतना पूरा रीजन है ओरल कैविटी का इसके बिल्कुल पीछे मौजूद है यानी यहाँ पे मौजूद होता है ठीक है यहाँ पे क्या मौजूद होता है यहाँ पे हमारा फेरेंग्स मौजूद होता है ठीक है अब ठीक है ये हमारा फेरिंग्स फेरिंग्स है पी फॉर मैंने यहाँ पे कर दिया जो कि हमारे नाक और हमारा ये जो इतना

यहाँ पे अब आपको दिखा देती हूँ कि खुराक यहाँ ये हमारा किसका रीजन है ये हमारा नोज का रीजन था ठीक है नोज में कर नोज के बिल्कुल नीचे क्या था हमारा माउथ था ठीक है एम फॉर माउथ में कर रही हूँ और इसके पीछे क्या था हमारा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या थी हमारी फरेंक्स थी ठी, ठीक है ये वाला रीजन फरेंस और फ्रेंस का बिल्कुल नीचे क्या हमारा यहाँ पे आइसोफेगस है मैं इसको आइसोफेगस को ओ से लिख रही हूँ और ये वाला जो इतना रीजन है ये किसका हमारा ये फरेंक्स का रीजन है ठीक है अब यहाँ पे क्या मौजूद है यहाँ इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर कर देती हूँ यहाँ पे मौजूद था हमारा ट्रैकिया मौजूद है ठीक है यहाँ पे क्या मौजूद है हमारा लेरेंग्स मौजूद है ठीक है लेरेंक्स मौजूद है और लेरेंस के बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्या मौजूद है यहाँ पे ट्रैकिया मौजूद है ठीक है ये मैंने बहुत रफ सा आई डी ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए पॉइंट <homelessness> अब क्या होता है कि लेरेंग्स के ऊपर यहाँ पे क्या मौजूद होता है एपी मौजूद होता है ठीक है और यहाँ पे क्या मौजूद है यहाँ पे ग्लोटिस मौजूद होता है अब क्या होगा कि जो हमारी खुराक थी जो कि कहाँ से आ रही थी जो यहां से आ रही थी कि हमारे माउथ से आ रही थी वो पे पे इस वाला रीजन जो एंटर हो गई है अब देखियो खुराक ने जाना होता है इधर आइसोफेगस में ठीक है हमारी खुराक की नाली में लेकिन खदशा होता है की क्योंकि फरेंग्स के पास ये अडाप्टेशन है कि इख्तियार है कि वो खुराक को इस वाली रीजन में जाने से रोके वो कैसे रोकती है कि ये जो ग्लोटिस था एपिग्लोटसोटिस का बना ये क्या होता है ये horizontal, horizontal position, इस पोजीशन में आ जो खुराक आ रही थी इस, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा उसके ऊपर एपिग्लोटिस एक ढक्कन जो था वो कवर हो गया जब किसी चीज का ऊपर कवरिंग से आ जाती है तो खुराक इसके अंदर एंटर नहीं होगी वो क्या होगी फिर दूसरी तरफ जाने दूसरा कौन सा रास्ता है ठीक है यानी खुराक जो है वो आ, आ रही थी सीधे माउथ से हमारी कैसे आ रही थी हमारे में आ रही थी ठीक है के बाद उसने यहाँ पे आइसोफेगस में इंटर होना ठीक है ये आइसो फेगस ठीक है लेकिन ये साथ में क्या मौजूद है हमारे यहाँ पे लेरेंस मौजूद था और लेंस के ऊपर क्या था यहाँ पे एक कवरिंग थी जिसको हमने एपिकलोटस का नाम दिया और एपिकलोटस जो थी जब पोरी पोजिशन स्टेट पहले वो

जो है वो फेरिंग्स में आती है और फेरिंग्स के ये पास एड़, है, ये पास है है उसके अंदर कि वो एपिग्लोटिस को यूज करता है एपिग्लोटिस बिल्कुल हमारे कहाँ पे मौजूद होती है हमारे लेरिंग्स के ऊपर मौजूद होती है ठीक है एपिग्लोटिस का ये काम होता है कि वो खुराक को रोकती है अंदरों और ये जो ग्लोटस होता है ना इसका काम होता है ये हमारी आवाज को आ, प्रोडक्शन में हेल्प करता है वोकल कार्डिंग में इसका हेल्प आउट होता है ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है ट्रैकिया हमारा विंड पाइप होता है ये वाला जो ट्रैकिया, इसमें से हमारी हवा नहीं है, ठीक है तो ये सारा ओवरऑल जो था वो इस तरह से हमारी खुराक जो है वो फेक्स के बाद सीधी आइसोफेगस में आ जाती है ठीक है ये वाला जो रीजन है ये आइसोफेगस की नाली थी अब क्या होता है द बिगनिंग ऑफ द स्वेलिंग जब हम खुराक को निकल रहे होते स्वेलिंग एक्चुअली इज वॉलंट्री ठीक है वॉलेंट्री का मतलब क्या अपनी मर्जी से आपको पता है जब हमारे मुंह में खुराक होती है तो हम अपनी मर्जी से उसको अंदर की तरफ निकल रहे होते हैं ठीक है ना यानी खुराक को अच्छे तरीके से मुंह के अंदर पहले चबाया ठीक है अब हमने क्या किया अपनी अपनी मर्जी से खुराक जो जो थी बॉलेस जो था उसको हमने अंदर अंदर की तरफ पुश कर दिया ठीक है नहीं, हम उसको खाने की कोशिश कर रहे थे ना निगल रहे होते तो यहाँ तक हमारी अपने हाथ में होता है कि हम अपनी खुराक को अंदर की तरफ कले नहीं तो अगर नहीं दिल कर तो हम उसी टाइम बाहर भी निकाल सकते ठीक है वॉलेंट्री का मतलब हमारी अपनी मर्जी होती है द बिगिनिंग स्टार्ट ठीक है यानी शुरू में क्या होता है जब आप खुराक को ले रहे होते द बिगिनिंग स्टार्ट खुराक को स्टार्ट करने निकलने के स्टार्ट में हमारी मर्जी होती है कि अब अपनी खुराक को अंदर की तरफ लेके जाए कि ना लेके बट लेकिन वंस एक दफा जब खुराक फूड रीच पहुंच जाती है द बैक ऑफ द माउथ हमारे मुंह के निचली जाम यानी हमारे मुंह के अंदर हम

ऐसा एग्स में पहुंच गए या हमारे स्टोमक में इस चीज का हमें कोई वास्ता नहीं होता हम फौरन से अगली बाइट ले लेते हैं ठीक है तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि खुराक का स्टार्ट जो होता है वो वॉल्ट्री हमारी अपनी मर्जी से होता है लेकिन इसके बाद जब हमारे मुंह के अंदर तक गले तक चले जाती है बैक ऑफ द माउथ में हमारा फूड पहुंच जाता है देन वी हम नहीं चाहते उसके साथ क्या मामला पेश हो रहा है देन फूड का जो निकलने का अमल है वो ऑटोमेटिक हो जाता है ठीक है आफ्टर अच्छे से निगल लेते हैं फूड इंटर ट्यूब ठीक है यानी फूड एक ऐसी नाली के अंदर एंटर हो जाए जिसका हम कहते हैं ठीक है अभी हमने बात की कि फेरिंग से नीचे कौन सी ट्यूब होती है फेगस होती है ठीक है और फिर खुराक जो है वो एक ट्यूब में होता हो जिसका नाम कहते आइसोफेगस का विच कनेक्ट फरेंग्स टू द और वो जी जो होती है आइसोफेगस देखिए ऊपर हमारे क्या थी हमारी थी फ्रेंस के बाद आइसोफेगस आइसोफेगस के बाद नीचे जाके जो रीजन आएगा वो हमारा क्या होगा हमारा स्टोमिक होगा ठीक है यानी यहाँ पे खुराक हमारे मुंह के अगर मुंह का रीजन था खुराक हमारे पहले फ्रेंस में आई यहाँ तक फ्रेंस आ गया इसके बाद ये जो लंबी सारी ट्यूब है ये हमारी अः ठीक है जो एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं ये हमारा स्टोमिक इस तरह से इसकी शेप होती है थोड़ी बहुत ठीक है आई ट्राई टू ठीक है तो यहाँ पे होता तो ये जो होती है ये जो लंबी सारी ट्यूब होती है जिसको हमें नाम दिया है आइसोफेगस का ठीक है तो ये क्या करती है इस यहाँ इस रीजन को फ्रेंस को किससे मिला रही होती है आ, इस स्टोमिक से ज्यादा बताने का मकसद ये है कि हमारी जो ट्यूब है वो कहां से स्टार्ट हो रही फरेंग से स्टार्ट होती है कहां तक पहुंच गई स्टोमिक तक पहुंच गई ठीक है अब ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है ठीक है हमें इसके बारे में नहीं अंदा हमारी अपनी मर्जी नहीं है कि अगर हमारे आइसोफेगस में खुराक या स्टोमिक तक पहुंच गई तो हम उसको अपनी मर्जी से खींच के बाहर निकालें ये हमारे बस में नहीं होता ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है ठीक है खुराक कहाँ पहुंच गई हमारे एक ट्यूब में से होती है जिसको आइसोफेगस के नाम दिए कहाँ तक पहुंच जाती है स्टोमिक तक पहुंच जाती है ठीक जब हमारे, हमारे मुंह के अंदर थी ना खुराक तो हमने बात की थी इट इस पार्शली डाइजेस्ट ठीक है हमने बात की थोड़ी सी हल्की सी पार्शल मतलब बिल्कुल नीम सी हल्की सी हजम होना शुरू हो जाती ठीक है देखिए ना वो जो जा, जैसी बाइट में लेते वो उस कंडीशन में नहीं रहती उसकी हमने चबा चबा के उसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कर चुके होते हैं ठीक है और छोटे पीसेस के साथ साथ उसका एक बोलस बना चुके होते है तो वो पार्शली थोड़ी बहुत उसकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ठीक है लेकिन जब मुंह के अंदर तो उसकी थोड़ी सी पार्शली डाइजेशन हो चुकी होती है लेकिन जब वो मुंह के बाद हमारे गले यानी हमारे फेरिंग्स तक आती है देन के बाद हमारे आइसोफेगस तक आ रही है तो बिल्कुल उस बोलस की फॉर्म में जैसे हम उसको निगल रहे हालत में स्ट्रोमिक तक आती है ठीक है यानी फेरिंग्स में या हमारी आइसोफेगस में किसी किस्म की कोई डाइजेशन

डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द सिलाईवा कंटिन्यू ठीक है ठीक है इसका यहाँ पे क्या सिलाईवा का मतलब हमने बात की थी सिलाईवा हमारा क्या होता है सिलाईवी ग्लैंड होती हैं वो उसको सीक्रिएट करी थी और सिलाईवा का हमने बात की थी हम इसको खुराक को लुब्रिकेट करता है उसको हल्का सा नम करता है उसको गीला करता है उसको चिकना ही दे देता है ठीक है यानी खुराक जो वो आसानी से पास इन हो सके इसके अलावा स्लाइवा के अंदर जो था हमने बात की थी एक इंजाइम था जिसका नाम दिया था डाइजेशन का काम अब खुराक हमारे मुंह के बाद आ, में आ रही है, हमारे में है, तो उसी हाल में रहेगी वो वो ठीक है जो उसके साथ लगा हुआ है वो उस बॉल्स के साथ ही रहेगा चाहे वो हमारे आयसोफेगस में से गुजरे चाहे वो हमारे फेरिंग्स में से गुजरे ठीक है तो ये बता रहे हैं कि फेरिंग्स और आयसोफेगस में खुराक खुद इसमें डाइजेशन तो कुछ नहीं हो रही बस वही जो सलाइवा ने कंटिन्यू किया था ना काम वही हमारा कंटिन्यू रहता ठीक है यानी और जो है, वो सिर्फ खुराक को पास करने का काम करती है इसमें डाइजेशन नहीं हो रही थी डायजेशन वही पुरानी वाली जो कि हमारे माउथ में सलाइवा ने स्टार्ट की थी वही वाली स्टार्ट रहती है वो कंटिन्यू रहती है ठीक है यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हमारा जो बोलस यानी हमारी जो खुराक है वो किस तरह से मुंह गुजरती है हमारे ट्रेकिया या फिर सॉरी हमारे फ्रेंक्स या फिर हमारे ठीक है ये उन्होंने एक छोटा सा इधर इतना ग्रीन कलर का जो है ना सॉरी हाँ जी ग्रीन कलर का ये पार्ट जो है जिसका हमने नाम दिया बोलस का ठीक है ठीक है ये हमारा नेजल कैविटी है ये हम पूरा रीजा हमारा ओरल कैविटी कहते हैं ठीक है थीके? अब ये जो बोलेस है ठीक है ये कहाँ पे मौजूद है देखिए ये सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल से अब ये बोलेस ने कहा गुजरना है ठीक है तो ये वाला पहले प्रोसेस में क्या होता है कि खुराक हमारे मुंह के अंदर थी ठीक है दूसरा यहाँ पे दूसरा स्टेप दिखा है यही वाला जो ग्रीन वाला रीजन था ये वाला जो ग्रीन वाला रीजन है वो यहाँ तक आ गया ठीक है यानी हमारे मुंह के बाद हमारे गले तक पहुंच चुके हमारे तक आ चुके हैं ठीक है अब ये जो थर्ड प्रोसेस वाला जो ग्रीन वाला रीजन है वो यहाँ पे नीचे तक आ गया जिसका मैं नाम दिया हमारी फेरिंग है फिर आइसोफेगस यहाँ तक आ चुका है ठीक है ये वाला जो इधर इस तरफ रीजन है ये लरिंग्स का और ट्रैकिया का ठीक है इधर खुराक नहीं जा रही खुराक हमारे फेरिंग से होती है हमारी आइसोफेगस तक फिर आई ठीक है तो ये स की मूवमेंट दिखाई कि किस तरह से बोलस पहले हमारे मुंह में था ठीक है यहाँ पहले जो डायग्राम उसमें हमारे पास बोलस को दिखाई कि किस तरह से हमारी ऑरल कैविटी में था देन वो हमारी ओरल कैविटी से होता हुआ हमारे यहाँ पे नीचे वाले हमारे फ्रेंस तक आया और फिर यहाँ पे हमारे फ्रेंस के बाद किसमें एंटर हो गया हमारी

मूव करती है फ्रॉम आवर ओरल कैविटी टू तो द हमारे मुंह से शुरू होती ये जो का अमल है ये हमारे कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता। कहां तक जारी रहता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आइसोवेगसोगस तक आ गई देन ये जो रीजन है ये हमारा कौन सा रीजन है ये हमारा स्टोमिक का रीजन ठीक है ये जो आपको नालियां नजर आ रही है बड़ी बड़ी इसको हम कहते हैं लार्ज ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन और ये दरियान में आपको नजर आ रही है ये हमारी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है जी अब खुराक ने जब से होते हमारे आईसोपेसी होती ये सारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में से गुजरते इस वाले रीजन में आ रहा है ना अब देखिए जो तो हम हजम हो चुकी होती है ना हमारे वो ब्लड में चली जाती है ठीक है हमारे खून में मिल जाती है वो uh, हजम नहीं होना होता है सॉरी इलिमिनेट कर देते हैं ठीक है थीके? जी अब वो जो इलिमिनेशन के ऑर्गन होते हैं ये बिल्कुल आउटर रीजन होता है उसको हम कहते हैं एनएस और एनएस के ऊपर ये वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या रेक्टम है ठीक है ये क्या ये रेक्टम है और जो बिल्कुल नीचे होता है ये एन एसो है ठीक है जी तो इस तरीके से जो पेरास्टालसिस है ना ये हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है फेरेंग से स्टार्ट होती है और हमारी आइसोस से स्टार्ट होती है हमारे स्टोमिक से स्टार्ट होती है हमारी इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है कहां तक आती है हमारे एन तक ये सारा प्रोसेस जो है पेरास का जारी रहता है ठीक है तो ये ये बताया गया अभी होता क्या है जो इतना टाइम जारी रहता है पैरास्टालसिस की फॉर्म में एक लहर की फॉर्म में वेब आपको पता है किस तरह की वेव कैसी होती है

कार तो हमारी क्या आती है जिसके तो बता रहे हैं पेरेस्टिस जो है वो मसल्स uh, का ठीक है हमारे स्मूथ मसल का सुकड़ना और उनका फैलना ठीक है वो एक लहर बन जाती है जब एक चीज एक पहले यहाँ पे ऐसे है यही नहीं एक बात है वैसे ऐसे यहाँ पे दिखा रहे रिलैक्स हो रही है ठीक है और फिर यहाँ पे फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएगी ठीक है और फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगी तो ये सुकड़ रही है फैलेगी नहीं ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पे क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है सुकड़ रही है यहाँ पे भी सुकड़ रहा है एक चीज जो पहले बिल्कुल स्ट्रेट होती है ठीक है ऐसी होती है एक स्ट्रेट होती है ऐसी स्ट्रेट होती है और वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करी होती है पहले वो ऐसे थोड़ा सा रीजन उसका ऐसा आएगा ठीक है और फिर वो क्या करेगी फैल जाएगी, जाएगी रिलैक्स हो जाएगी ठीक है ऐसी हो जाएगी फिर क्या होगी फिर सुकड़ेगी फिर रिलैक्स हो जाएगी यानी ये वाले जो रीजन है ना इस तरह से ठीक है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही, हो रही। अंदर को चलेगा है ना पाइप इसी तरह ये वाला पाइप जो ये भी अंदर को, को जगह ये, ये रिलैक्स हो रहा है ठीक है पाइप जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा रिलेक्स करा फिर फैल रहा है फिर सुकड़ रहा है तो एक वेव सी बन जाती है ना तो ये पेरास्टास क्या है ये एक ऐसी वेव ही होती है एक तहर सी बन जाती है जब हमारी डिफरेंट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या फिर रिलैक्स कर रहे होते हैं ठीक है आपकी बुक में ये एक डायग्राम दिखाई गई रिलैक्सेशन की क्या होता है कि जब हमारी

तो क्या दिये? वो पहले सुकड़ती है फिर रिलैक्स हो जाती है ठीक है मैस ऑफ द फूड ठीक है देखिए ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा तो बोल्ड फॉर्म है पिंक कलर का नजर आए ये हमारा हमारे खुराक है ठीक है अब जब देखे खुराक यहां से गुजरी है हमारे ट्यूब में से की बात करें वहां से से गुजरी है तो जहां से वो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये अंदर को सुकड़ गया और जहां पे खुराक आ गई वहां से नालियां खुली हो गई ठीक है वहां पे खुराक है और इसके नीचे भी सुखड़ी हुई है ऊपर भी सुखड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुई है हमारी नर्व ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्ट है और नीचे से भी कॉन्ट्रेक्ट है और जहां पे खुराक है वहां पे वो रिलैक्स है अब यही वाला फूड फूटबॉलिस जब यहाँ से गुजरता होगा यहाँ तक आएगा तो देखिए ऊपर वाली

तो जो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें उन्हें फरेंग्स के बारे में जाना आज से फेंगस और किस तरह से वो गुजरती है और किस तरह से स्पेलिंग होती है और पैरास्टास क्या होती है ठीक है इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस अबाउट स्टोम थैंक्स फॉर वाचिंग